अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी अम्मी के घर से। मैं अपनी अम्मी के घर थी और सुबह सुबह उठी, इतनी मज़े का मौसम हुआ था, इतनी मज़े की बारिश हो रही थी ना भाई, तो मैंने फटाफट अपनी दोस्त को फ़ोन मिलाया कि मैंने कहा आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो आओ मिलते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से सुबह आन की तबीयत नहीं ठीक थी। तो सुबह सुबह उठी तो इतना मज़े का मौसम था कि मेरा पहले तो उठने को दिल नहीं कर रहा था ना। यहाँ पर सुबह मौसम इंजॉय कर रहा है और मैं इतना बुला रही हूँ लेकिन मैं सुन भी रहा, इतना मगन है आवाज़ों में बारिश की, क्योंकि इसको पहली दफ़ा इसने बारिश देखी थी। मैंने तो ये पैदा ही सर्दियों में हुआ था तो कभी बाहर ही नहीं निकाला था इसको, फिर मुझे डर रहता है कि कभी इसको कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो जब बच्चों का पता कितनी एहतियात करनी पड़ती है, तो मैंने इसे कभी बाहर ही नहीं निकाला। और आज मैंने ना कहा गर्मी बड़ी थी दो दिनों से, चलो इसे दिखाती हूँ बाहर ना, बाहर लेके गई, हवा भी अच्छी थी और इतना अच्छा मौसम था तो इसने काफी इंजॉय किया। मुझे तो बारिश का मौसम बहुत ज्यादा पसंद है। और जिस दिन मैं घर होती थी ना, संडे होता था, यूनिवर्सिटी पढ़ती थी, तो उस दिन मैं हमेशा लेट उठती थी और यूनिवर्सिटी होती थी, पूरे ग्रुप ने मस्ट जाना होता था एम कैफे, और वहां से हम लोगों ने कॉफी और समोसे पकौड़े फ्राइज ये सब कुछ खाना होता था। यहाँ मेरा पायों के साथ नाश्ता हो गया था। यहाँ पे सुभान अपनी हाला के साथ इंजॉय कर रहा था गाने शाने, तो मैंने कहा जब तक ये इंजॉय शोइंग कर रहा है ना तो मैं तब तक अपनी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे तो पता ना टाइम देते नहीं है। तो यहाँ पे चेक करें ज़रा आपकी बहन का जुगाड़ अपने भतीजे की जो है ना, वो साइकिल के ऊपर मैंने बड्डा लगा के ना तो अपना स्टैंड सा बनाया हुआ एक, और ये नूर बाय सईद का जो है ना ये ड्रेस था, और इतना खूबसूरत ये ड्रेस है ना, और इसकी ट्राउजर के ऊपर और शर्ट के ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये पूरी फ्रंट जो है ना इसकी चिकनकारी की है, जो कि अभी मैं आगे आपको मे भी दिखाऊं भी। और इसलिए ज्यादा इसके ऊपर मैंने चीजें नहीं लगवाई थी, लेस ही इस तरह करवा के ना मैंने, शिटल लेस टाइप होती है जो बड़ी बड़ी वो वाली, और साइड पे पाइपिंग लगा ली थी, मुझे नहीं पता इसको शिटल लेस कहते हैं या कौन सी वाली। और यहाँ पे मैं आपको चिकनकारी देखा दिखा रही हूँ, पता नहीं क्यों वीडियो में इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ही आला किस्म का ये ड्रेस था। ये ड्रेस ना नूर भाई सईद की जो लास्ट चिकनकारी वाली कलेक्शन आई थी ना उसमें से था। बाद जी मैंने ऐसे किया कि सुभान को तैयार किया और उसका बैग शैग भी तैयार कर लिया। पहनो इसे, टा 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 टा। सुभान बेचारा झुलस के रह गए। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे और अम्मी को छोड़ने जा रहा है मेरी दोस्त के घर, लेकिन टाइम तो हमारा 2 बजे का था लेकिन मैं पहुँचते पहुँचते 4 बजा दिए, क्योंकि मेरा भाई कहीं गया हुआ था। और यहाँ मेरा दिल कर रहा था बस मैं उड़ के उम्मत के पास पहुँच जाऊँ, पर मुझे रास्ता तक याद नहीं था, तो फिर मैंने उम्मत को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मुझे बताओ आना किधर है, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जा रही थी। पहले भी एक दो दफ़ा गई हूँ लेकिन एक दफ़ा हस्बैंड के साथ गई थी तो तब रात के टाइम गई थी, तो इसलिए मुझे रास्ता याद ही नहीं था। उसके बाद यहाँ पे तो मेरा ये गाना गाने को दिल कर रहा था कि सलमान खान का है ना, आज उनसे मिलना है हमें, जितनी मैं ना बस ये गुनगुना रही थी, आज उनसे मिलना है हमें। पिछली बार भी मैं मम्मी के घर आई थी ना तो हमारा प्लान था पर हम मिल नहीं सके थे, क्योंकि फिर मुझे घर वापस जाना पड़ा। ब्लॉगिंग तो मैं भूल गई हूँ, मैं डिपोर्ट वो खा उनके ये डिपोर्ट वो खा रही। यहाँ पे हम ना काफ़ी अरसे बाद मिले थे तो मेरी अम्मी और उम्मत की अम्मी दोनों जो है वो दोस्तें बन गई, इन्होंने ये इनकी पहली मुलाकात थी और इन्होंने बड़ा ही उम्मत की अम्मी के साथ इतना मज़ा आया ना मुझे, वो इतनी अच्छी हैं, इतनी स्वीट हैं, और फिर मेरी अम्मी के साथ उनकी दोस्ती भी हो गई। यहाँ पर हम उम्मत की बहन जो है फातिमा, उसका जो है ना शादी का एल्बम देख रहे हैं। ये भी पता नहीं कहाँ से उम्मत के माइंड में आया कि आओ आपको एल्बम दिखाती हूँ, नहीं तो हम लोग तो इतनी बातें कर रही थी, हमारी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी और हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम लोग ना बातें छोड़ के कोई और काम करें, कोई पिक्चर बनाए, और यहाँ देखो उम्मत तुम्हारे हाथ आ ही गए हैं बीच में। तो की वीडियो बनानी थी। हाँ, बना थोड़ी सी। पढ़ो यार, इज्जत रख लो मेरी। अच्छा चलो ठीक है, ऊपर चढ़ गया। मिठू मिठू आ भाई, इनको पता चल गया कैमरा ऑन है। वो पीछे वाला मियां मिठू। अच्छा ये पति पति। अच्छा वो देख भी ऐसी रही है, वो वाकई शरीफ लग रहा है ना, वैसे वो ज्यादा प्यारा नहीं। आजकल के बच्चे इतने मिसने हैं, इतने मिसने हैं। ये सोया हुआ था तो उठा है तो मेरे हाथ में इसने पैसे देखे हैं, तो इसने पैसे पकड़ लिए हैं। मैं शुक्र कर रही थी कि जब वो पैसे दे रहे थे ये सोया हुआ था, नहीं तो ये तो पैसे उनको उनसे लेके तो इसने तो चुपा लेने थे। ये छोटा सारा था ना, तब की इसको आदत है कि इसको कोई बंदा पैसे देता है ना तो ये बड़े आराम से ना से बच्चे छोटे छोटे, मैंने सबको देखा है कि ऐसे ही करते हैं कि हाथ में पैसे ना पकड़ के दबा लेते हैं, देने नहीं। लेकिन हम माएँ भी बड़ी तेज़ हैं, हम लोग इन लोगों से ले लेते हैं।
क्योंकि हमारी माए भी हमसे ले लेती थी। अच्छा मेरी अम्मी पता क्या कहती थी, बेटा देखो ना तुमसे घूम जाते हैं तो ज़रा दो, मैं ना संभाल देती हूँ, जब तुम्हें चाहिए होगे ना मैं तुम्हें दे दूंगी। ना वो पैसे आज तक हमें मिले ना वो कभी मिलने और वो माओ के पास ही रहते थे, माओ और हम भी इतने शरीफ बच्चे थे कि हम दे देते थे और हम लोगों को याद ही नहीं रहता था कि जब मांगने होते थे तब भी नहीं थे मिलते वैसे तो। और जहाँ मेरा भाई आ गया था तो हमें वापस लेने, तो फिर हम वापस जा रहे हैं और ये मेरा भाई बड़े भाई का बेटा है साथ शानवा, और ये भी हमें लेने आया था और ये यहाँ शरारते कर रहा है। और यहाँ पे मेरी अम्मी धड़ाधड़ मेरे छोटे भाई को ना डांटे लगा रही वो पता ना जब माओ को गुस्सा आया तो शुरू इधर से करिए, नमाज नहीं ना तुम पढ़ते, तुम फोन पता यूज़ करते हो, हाँ हाँ खाना तुम्हें ता ही थोड़ियाँ अखा के अगे हल्के ही है ना ने थोड़ी फलानी चीज़ है जे, तो ये ना इस तरह कुछ होता है कि बिस्ती बड़ी होती है। तो यार मैंने तो बड़े फ्यूचर प्लान बनाए हुए हैं, मैंने भी अपने बच्चे को ये सारे डायलॉग सुना के उसकी बिस्ती करनी करनी है उसके बाद हम अपनी दादो घर पहुँच गए जी, ये मैंने बच्चों से छीन के ये पट्टी फ्राई खाए, फिर मैंने एक गोली खाई क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, सुबहान की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी रात को क्योंकि वो काफ़ी बीमार था, तो फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें।